आईसीआईसीआई बैंक ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आई मोबाइल पे। इस एप्लीकेशन को यूज करके आप किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भी कई सारे पेमेंट आप यहां पे कर सकते हैं। और इसमें एक जो अहम पॉइंट आती है, क्या जिसका आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुला है वही इस एप्लीकेशन को यूज कर सकता है कि नहीं यूज कर सकता है। तो मैं आपको साफ क्लियर शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आप इसको जो है बहुत ही ईजी तरीके से यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका स्टेट बैंक में खाता हो, चाहे इलाहाबाद में बैंक में खाता हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता हो, चाहे एचडीएफसी में खाता हो, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक छोड़ के किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो बहुत ही आसानी तरीके से आप इस एप्लीकेशन को आई मोबाइल पे को यूज कर सकते हैं। अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में खाता है तो और खुशी की बात है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसमें जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर जिसका खाता नहीं है वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आई मोबाइल पे कैसे यूज किया जाता है, कैसे इसमें अकाउंट बनाया जाता है, कैसे इसमें जो है यूपीआई से लिंक किया जाता है अपने बैंक को, और किस तरीके से मनी ट्रांसफर किया जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और किस तरीके से व्यू बैलेंस चेक किया जाता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे आई मोबाइल पे। तो जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 10 मिलियन से प्लस इसका डाउनलोड है और 2 मिलियन इसका रिव्यू है। पे इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो भी परमिशन आपसे मांगा जाएगा आप यहाँ पे अलाउ करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे खुल जाएगा। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं, आप किसी भी बैंक का आपका खाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत ही इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है हम स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए एक आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है आपको एक्टिव नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आपके SMS पे जो है मैसेज चला जाएगा, यानी कि एक्टिवेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आपके सिम में जो है कुछ ना कुछ रुपया रहना चाहिए, टॉक टाइम वाले रिचार्ज रहना चाहिए, तभी यहाँ पे सक्सेसफुल ये होगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो उसके बाद यहाँ पे हम जो है आई वॉन्ट टू यूज 4 डिजिट का लॉगिन पिन यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए फटाफट यहाँ पर बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके पे कह रहा है क्लिक करने के लिए, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है लॉगिन करने के लिए। तो जो भी हम पिन अभी बनाए 4 डिजिट का वो यहाँ से हम इंटर करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है यहाँ पे आई मोबाइल पे जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे लिंक अकाउंट बोल रहा है करने के लिए, तो यहाँ पे इस वाले जो प्लस वाले जो आइकन है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आपका कोई सा भी बैंक हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपका SBI हो, चाहे आपका HDFC बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपका बैंक हो, यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा SBI का बैंक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद लोडिंग लेगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर जो यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा तो ऑटोमेटिक जो है अकाउंट नंबर यहां पे शो कर जाएगा। तो यहां पे हम इसको टिक कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहां पे बोला जाएगा हमको जो है यहाँ पे देखिए एक जो है योर भीम UPI पेमेंट एड्रेस भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट है। उसके बाद ये मेरा रहा IFSC कोड। उसके बाद ये रहा मेरा बैंक अकाउंट। उसके बाद रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर प्रोफाइल डिटेल भरना है तो भर सकते हैं, हम मेल हैं। उसके बाद ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, चलिए हम ईमेल आईडी दे देते हैं। पेन नंबर भी दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। उसके बाद मेल फीमेल आप जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे है ही।
कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन पे के तरह, गूगल पे के तरह, चाहे आप कर सकते हैं योनो SBI के तरह, यहाँ पे आपको बैलेंस चेक करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे व्यू बैलेंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एक बार UPI पिन किसी भी एप्लीकेशन में बना लेते हैं, चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे योनो SBI हो, चाहे पेटीएम हो, तो यहाँ पे आपको बार बार बनाना नहीं पड़ता है। चाहे तो आप चेंज इसे कर सकते हैं, लेकिन दोबारा आप बना नहीं सकते, वही आपका UPI पिन रह जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम अपना UPI पिन। तो जैसे ही हम सही वाले निशान पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5021 रुपया है और 69 पैसे है यहाँ पे मेरे अकाउंट में बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस जगह, तो आप यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरा भी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। उसके बाद मैनेज UPI ID भी आप यहां पे कर सकते हैं, ये रहा। चलिए मनी ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे देखिए सेंड मनी का एक ऑप्शन है, तो यहां पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पे आपको पूछा जाएगा अगर आप के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद UPI ID पे क्लिक करना चाहते हैं, UPI ID से अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अकाउंट के द्वारा FSC कोड के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अकाउंट के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे Pay to New Account पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जिस भी व्यक्ति का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पे इंटर IFSC कोड देंगे यहाँ पे, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है अकाउंट नंबर देंगे उसी व्यक्ति का जिसको आपको पैसा भेजना है। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए फिर से अकाउंट नंबर देंगे। उसके बाद अकाउंट होल्डर का रियल नाम क्या है वो आप यहाँ पे देंगे इस जगह। उसके बाद मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद कितना अमाउंट जो है यहाँ पर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं जो 1 रुपया भेजना चाहता हूँ डेमो के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फॉर्म आप जिस भी अकाउंट से भेज रहे हैं ऊपर में रहेगा और जिसके अकाउंट में भेज रहे हैं 2 में रहेगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंट में जो है हम 1 रुपया भेजना चाहते हैं उसके अकाउंट में। उसके बाद यहाँ पे ये सब ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, नीचे में जो ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद सेंड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कन्फर्मेशन के लिए एक बार देख लेंगे, आप रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद फिर से आप सेंड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपका UPI पिन क्या है, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे UPI पिन देने के बाद, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटी है जिनका आप लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन है, अगर आप कहेंगे तो वीडियो हम इस पर बना देंगे। उसके बाद कलेक्ट मनी का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो अगर आप कहेंगे तो इस पर भी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं कर सकते हैं। किसी को भी पेमेंट करना है स्कैन करके, तो यहाँ पे Scan to Pay पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्कैन यहाँ पे अलाउ करके जो है आप किसी को भी UPI से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके गैलरी में कोई QR कोड पड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी आप क्लिक करके गैलरी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। अगर इस ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी को नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।